Hey my friends and YouTube family, my name is Kalpana Singh. First of all, wish you a very happy new year. May this new year will come lots of happiness and health, wealth, lots of achievements. सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे पास है उसी में खुश रहो। बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे थे कि हम बाहर नहीं जा पाए बहुत सारे रीजंस की वजह से, कुछ भी रीज़न हो, बट हमें ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास है उसमें इंजॉय करें, अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इंजॉय करो जो भी आपके पास एट प्रेजेंट है। तो मैंने भी वैसा ही किया क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ बाहर पॉसिबल नहीं होता है, बहुत रश था। आपने देखा होगा कि मनाली में भी 35 किलोमीटर का जाम था, लोग 6-6, 7-7 घंटे खड़े हुए थे जाम में। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी कि बाहर कहीं भी जाने का प्लान किया जाए। तो आई एम शेयरिंग स्नीक पीक ऑफ माई न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो कि घर पे ही किया था। और बहुत सारी जो भी चीज़ें थी, इन्जॉय करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, तो शायद थोड़ी सी चीज़ें मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो हम न्यू ईयर पर बाहर कभी नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार का प्लान थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने घर पे ग्रिलिंग किया, पनीर टिक्का बनाया और मंचूरियन बनाया जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था एंड इट वॉज सो यम्मी। मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा आउटिंग करते हैं, तो दिल्ली में हम लोग हौज खास गए थे। वहाँ पे एक जगन्नाथ जी का टेंपल था, तो बोला जाता है कि ज़्यादातर रिचुअल होता है कि न्यू ईयर पे हम लोग जो है मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। तो हम भी गए, हौज खास विलेज गए, वहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी की, बच्चों को अच्छा लगा बाहर घूम के। तो पता ही नहीं चला 3-4 घंटे चले गए और वैसे तो लेट उठे थे सब लोग। और बस उठने के बाद ब्रेकफास्ट किया और मैंने उस दिन कछुए की पूड़ियाँ बनाई थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके अलावा जो भी जब हमारी जो घर वाली पार्टी थी उसमें बनाया था मैंने पीनट चाट और कॉर्न चाट, पोटैटो बॉल्स जो कि सारी चीज़ें होममेड थी। उसके बाद हम गए थे बाहर राजेंद्र ढाबा जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मेनली साउथ दिल्ली में है। तो मोर ओवर माई फ्रेंड वॉज रियली लाइक इंटरेस्टेड कि चलो आज थोड़ा सा पार्टी बाहर करते हैं एंड शी वॉज सजेस्टिंग अस कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं देन उनके हस्बैंड। तो हम सारे लोग गए राजेंद्र ढाबा, काफ़ी फेमस एंड अवार्ड विनिंग ढाबा है। तो अगर आप नॉनवेज लवर हो सो यू कैन विजिट देयर, बहुत अच्छी प्लेस है। और ये है उसका एड्रेस, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको शेयर करूँगी। और ये है जगन्नाथ जी का टेम्पल, रात में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, एकदम वाइट कलर का। और ये जो पुरी में जगन्नाथ जी का टेम्पल है उसी का रिप्लिका आप कह सकते हो, ऑल्दो इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, बट जो भी कम्युनिटी है उड़िया कम्युनिटी उसको यूनाइट करने के लिए मेनली ये बनाया गया है। इसकी जो भी डिटेल वीडियो है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेनली जो दर्शन का था उस दिन थोड़ी सी भीड़ थी, बच्चे थोड़े थोड़े परेशान थे, उनको मैनेज करना, बस ऐसे ही हंसते खेलते हम लोग घूम के आए और बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद जैसे घर का जो मेन्यू बता रही थी मैं, उसमें जो नॉनवेज के मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नॉनवेज खाते हैं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो उनके लिए चिकन करी और बिरयानी ऑर्डर करी थी, चिकन बिरयानी बाहर से। और यहाँ पे जो है सागर ढाबा है सेक्टर 16 में, इट्स वेरी वेरी नाइस और एज दे सेड कि बहुत अच्छा जो है खाना है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छे हैं। तो उनके जो भी रिव्यूज़ थे बहुत अच्छे थे, तो मैं उनका उसका भी जो शॉप का नाम है उसका नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ऑल्दो मेरे पास उसकी फ़ोटो वगैरह तो नहीं है कोई, लेकिन हाँ ये जो है नाम के साथ ही आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये स्नीक पीक थे, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। तो आप भी आउटिंग के लिए हौज खास विलेज जा सकते हो और हौज खास वाला जो जो कपल्स हैं वो जनरली नाइट लाइफ के लिए जाते हैं, हम तो बच्चों के साथ गए थे। तो वहाँ पे एक लेक है जो कि आप पीछे की तरफ फ़ोटो में दिख रहे होगी, तो ये जो है व्यू ही बहुत अच्छा लगता है। फोर्ट तो टूटा फूटा है, तो उसकी जो डिटेल वीडियो और हिस्ट्री है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट ये जो थे कुछ लम्हे थे जो कि न्यू ईयर के 31st नाइट के और न्यू ईयर हमने कैसे सेलिब्रेट किया। सो डिटेल वीडियो आई विल बी कमिंग वेरी सून, थोड़ी सी लंबी होगी बट आई होप आप इन्जॉय करोगे और उसकी जो है स्नीक पीक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो बस हमारे साथ ट्रैवल करते रहिए, बहुत सारी चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जेन्युइनिटी के साथ कोई भी चीज़ हो, फीडबैक हो, जो मैं यूज़ करती हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मैं उसका रिव्यू देती हूँ, या फिर जो भी प्लेस होता है उसको मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं होती उसकी सर्विस से, मैं उसकी जो भी सर्विसेज और उसका नाम मैं जनरली शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि लोगों का पैसा भी बर्बाद होता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो बस ऐसे ही ट्रैवल करिए मेरे साथ, और जो भी चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आपको जो है मेरे साथ नॉलेज शेयरिंग मुझे बहुत पसंद है, तो वो ही मैं पैशन अपना फॉलो कर रही हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ये जो है भैया हैं वो शेयर करेंगे अपने रिव्यूज़ कि कैसा बना है। सो ये सोया मंचूरियन है, सोया गोभी मंचूरियन, ये पोटैटो बॉल्स, ये है पनीर टिक्का, और थोड़ी थोड़ी रेसिपीज स्नीक पीक जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्द। आगे की जो भी वीडियोस होंगी तो वो बहुत एंटरटेनिंग होंगी, और आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि एक सही तरीके से मैं आपको गाइड कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करूँगी आपको, और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल और बहुत सोबर तरीके से जी सकते हो, वो एक मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करूंगी। So now he is giving the review for food. Ramir bhaiya, how are you feeling after having this potato? Amazing.